फ्रेंड्स बैक टू रूमीज किचन। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। रूमीज किचन में आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, क्योंकि रमज़ान शरीफ भी शुरू होने वाले हैं और रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ती है हरी चटनी और खट्टी इमली की खट्टी मीठी चटनी की। और रमज़ान नहीं भी हो तो भी ज़रूरत तो हमें पड़ती है, और मेरे यहाँ तो सब एवरी टाइम रहती है बनी हुई, क्योंकि चाट का मेरे बेटे को बहुत शौक है। तो दही भल्ले चाट, पापड़ी चाट, इसके साथ ये बढ़िया लगती है, समोसों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे बनाएं और स्टोर करके रखिए। तो आइए चलिए बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने इमली का पल्प लिया है 50 ग्राम। अब तो इजली हर शॉप पर मिल जाती है इमली, बीज निकले हुए साफ़ हुई भी। और इसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अभी हमारी इमली को भीगे हुए आधा घंटा हो गया, अब हम इसे बॉइल करेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे बॉइल करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और इमली में हमारी उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद भी हमने इसे 2-3 मिनट और पकाया है। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है, जिस पानी में भिगोया था उतना ही पानी है। अगर आपका पानी आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। आज मैंने चटनी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ईद से पहले फिर बनानी है। आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो जितनी भी आप इमली को डबल कर सकते हैं, जो भी गुड़ को डबल कर लीजिए, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम ये हमारी इमली अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसको होने देंगे ठंडा। तो अब इमली को करते हैं हम अपनी ठंडा। तो यहाँ पे ये हमारी इमली हो चुकी है ठंडी, और अब हमें इसे करना है मिक्सर जार में ट्रांसफर, और इसका बनाएंगे हम एक स्मूथ सा पेस्ट। चाहिए तो जिस टाइम पे हमने इमली को बॉईल किया था वहाँ उस स्टेज पे आप इसमें, अगर आपको इमली और खजूर की चटनी बनानी है तो आप इसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं। खजूर की सीड उसको निकाल दीजिए, उसके सीड्स को, और उसमें इमली के साथ ही उसको बॉईल कर दीजिए। इमली का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है और इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया था। अगर आपको लगता है कि पानी ऐड करना है तो आप कर लीजिएगा। और अब हम इसे छान लेंगे, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं उन्हें मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से हम इसे छान लेंगे। क्योंकि वो चटनी के बीच में मुंह में कुछ आ जाएगा ना रेशे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो वैसे तो हमने बहुत स्मूथ इसका पेस्ट बनाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो वो छन्नी में आ जाएगा और हमारी चटनी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होगी। हमने रख ली है अपनी कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल अपना। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हींग, जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अपना जीरा शामिल कर लेंगे। और जैसे ही जीरा पकल होगा इस टाइम फ्लेम को लो ही रखेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल लेंगे। अब हमारी हींग भी क्रैकल हो गई और जीरा भी। अब जो हमने इमली का पल्प अपना छाना था इसको डाल लेंगे। और इसे करेंगे मिक्स।
क्योंकि हमें थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें अब बॉईल होने का वेट करेंगे। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है और बॉईल आने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट और पकाया है। और यहाँ पर मैंने एक पिंच फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आपको नहीं डालना है मत डालिए, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा लगता है, इसका अच्छा सा कलर आ जाता है। वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे उससे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया है, आप नहीं डालना चाहते मत डालिए। और अब ये बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ गया, अब हम इसमें अपना डाल लेंगे गुड़। ये 50 ग्राम हमारी इमली थी, तो ये 50 ग्राम ही हमारा गुड़ है, और गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जितने गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, इसमें बाकी के मसाले भी हम ऐड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हमने लिया है नमक, ये रेगुलर नमक है, और 1/2 टीस्पून हमने लिया है काला नमक, और आपकी 1/2 टीस्पून लिया है हमने भुना हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून लिया है हमने सौंफ का पाउडर, सौंफ को ग्राइंड कर लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून लिया है हमने सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अब इन सबको डाल के भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए हमें इसे करना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ हमारा गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमने यहाँ ली है 2 टेबल स्पून के करीब है हमारी ये चीनी, हम यहाँ चीनी का भी यूज़ कर रहे हैं, इससे बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट ही आएगा हमारी चटनी में। चीनी जो है वो आपके गुड़ और इमली के टेस्ट को बैलेंस करेगी, क्योंकि गुड़ में भी थोड़ी खटास सी होती है, जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे तो बिल्कुल आपको मार्केट वाला टेस्ट आएगा। और आप इसको जब तक पकाएं, जितना गाढ़े आपको चाहिए तब तक आप इसको पका लें। अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल मुझे इतनी ही चाहिए, तो मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट और पका लेते हैं इसको, थोड़ी सी और गाढ़ी कर लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है, इसमें आप थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, और आप इसमें खरबूजे की मींगे भी डाल सकते हैं। तो मुझे खरबूजे की मींगे पसंद हैं, इसमें जब वो मुँह में आती हैं बड़ी अच्छी सी लगती हैं, तो मैं इसमें खरबूजे की मींगे भी ऐड करती हूँ। और आप कुछ नहीं डालना चाहते, इसको ऐसे ही रखना है, तो आप कुछ मत डालिए, आपकी पसंद के ऊपर है। मैंने काफ़ी जगह देखा है लोग नारियल भी डालते हैं ग्रेट करके, और अच्छा लगता है वो भी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं खरबूजे की मींगे डालूंगी। अभी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है, और इसमें हम थोड़ी सी डाल लेंगे अपनी खरबूजे की मींगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसे कैसा रखना है, आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए, जिस स्टेज आपको जैसी भी रखनी है उसी स्टेज पर आप इसके फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। मुझे लग रहा है अब ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, जितना मुझे चाहिए होती है, तो अब मैं अपने फ्लेम को कर लूँगी ऑफ। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और आप इसे 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती है बिल्कुल। और चटनी है हमारी रेडी बिल्कुल, और चटनी हमारी है रेडी बिल्कुल। और अभी तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें की है, मैं एयर टाइट कंटेनर में करके इसको फ्रिज में रखूंगी जिससे कि ये खराब ना हो।
आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।